कूलिंग टेक्नोलॉजी फॉर मशरूम फार्म्स। किस तरह से हम मशरूम के फार्म को गर्मियों में ठंडा रख सकते हैं? या तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कमरा है, घर है या फार्म है, या फिर आप नया बना रहे हैं। ये टिप्स और ट्रिक्स आपको काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी और आपकी मेहनत को बचाएगा। देखिए, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मशरूम फार्म या किसी घर के गर्म होने के, वो होता है रूफ। आज का ये वीडियो का टॉपिक जैसा है, अगर हम जानेंगे तो इससे ना सिर्फ मशरूम फार्म हम रहते भी हैं जहाँ पे, उस घर को भी हम काफ़ी हद तक ठंडा रखना सीख जाएंगे। तो 70% जो हीट जो एब्जॉर्ब होता है 70% तक का घर के अंदर, वो रूफ से आता है, छत से आता है। तो चैलेंज ये रहता है कि इस घर को हम कैसे ठंडा रखें नेचुरली, क्योंकि एयर कंडीशनर और अलग अलग मशीनरी तो लगा सकते हैं, पर उसका एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ जाएगा अगर बाहर से हीट आएगा। जो सोलर रेडिएशन होता है जो हमारे छत के सरफेस पे स्ट्राइक करता है, उसमें तीन ही चीज़ें होती है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या वो एब्जॉर्ब होगा, या फिर वो ट्रांसमिट होगा। जो हीट जो होता है अगर वो एब्जॉर्ब होने लग जाता है तो क्या होता है, दिन में तो गर्मी रहती है नेचुरली, और रात भर भी रेडिएशन के थ्रू वो जो गर्म जो छत हमारा अभी तक जो गर्म रह गया है, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ हीट देता रहता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा फार्म का टेम्परेचर अंदर रात को भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और इससे हमारे फार्म में जो भी वैरायटी का मशरूम कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें कूल रूफिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। कूल रूफिंग के काफ़ी सारी तकनीक हैं, उनमें से वन ऑफ द इजीएस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव तकनीक होता है रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज़ करना। अगर देखिए, अगर हमारा जो छत है अगर वो रिफ्लेक्टिव होगा तो क्या होगा कि जो सन की जो किरणें हैं वो वहाँ पे टकरा के वापस चली जाएगी। तो इसका मेन यही साइंस रहता है कि हम जो है हीट को एब्जॉर्ब ही ना होने दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी थर्मल एनर्जी जो हमें सन से जो भी हमारे छत पे गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चले जाए। इसके लिए देखिए, अगर हमारी जो छत है वो अगर मेटल रूफिंग है, अगर हमने मेटेलिक चीज़ इस्तेमाल की है, तो उसमें पहली तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो मेटल हम शीट यूज़ कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टिव रहे, मतलब वो शाइनी रहे, उसका सरफेस जिस तरह का हो जिसमें हमारा जो भी सन की किरणें गिरेगी वहाँ से गिर के बाहर चली जाए। और दूसरा है कि उसमें कलर क्या है। देख, कलर बहुत मैटर करता है। लगभग जो रूफ का अगर हम कलर जो है डार्क रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जो डार्क कलर है इसका टेबल के सोलर एब्जॉर्प्शन आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा कलर लाइट होते हैं वो सबसे कम हीट को एब्जॉर्ब करती है, और जैसे जैसे ये नीचे जाती रहती है, रेड हो गया, फिर ब्राउन हो गया, ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, ये सब क्या करते हैं, जो सन की किरणें हैं उनके एब्जॉर्ब करती है। तो हमें जो है लाइट कलर यूज़ करना है, ग्लॉसी कलर इस्तेमाल करना है। इसलिए जो है हम लोग अपने जो टिन का भी जो कलर है हम इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस लगभग सिर्फ सरफेस में 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ कलर से। सिमिलर अगर हम छत का इस्तेमाल करें, हमारा कंक्रीट का छत है और उसमें अगर हमने वाइट कलर इस्तेमाल किया है, जो कि पहले हम लोग उसका रूफिंग में सबसे पहले हम अपने छत के रूफ को स्क्रैच करते हैं, उसके बाद उसमें वाइट कलर किया जाता है या फिर सिल्वर कलर किया जाता है, इससे लगभग छत के सरफेस में ही 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर आ जाता है गैप। और जो घर के अंदर का जो कूलिंग है लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का हम नेचुरली घटा सकते हैं। तो ये जो कलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें हमेशा लाइट कलर इस्तेमाल करने हैं। और सिमिलर जो चीज़ हमारा वॉल के साथ, जो हमारा जो वॉल होता है चारों तरफ जो दीवारें होती हैं, हमें उसको भी सोलर रेडिएशन से बचाने के लिए उसे लाइट कलर पेंट करना है, और साथ ही साथ उसका हमें अगर टेक्सचर जो है उसको अगर हम टेक्सचर में भी ट्रीटमेंट करें तो भी हम हीट गेन को कम कर सकते हैं। और अगर हम क्लैडिंग मतलब किसी तरह का मटेरियल जिससे कि बीच में गैप रहे अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो भी एक कैविटी क्रिएट होती है दोनों सरफेस के बीच में, जिससे डायरेक्ट हीट की जो गेन है काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ कूल रूफ पेंट अलग अलग कंपनियां जो है बनाती है, जिसमें स्पेशल नैनो टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें एडवांस यूवी प्रोटेक्शन की जो सारी की सारी केमिकल्स अंदर रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अगर हम अपने रूफ पे छत पे या फिर अपने मेटेलिक ऊपर शीट में या कंक्रीट में अगर हम करें तो हम इसमें लगभग 30-40% तक की एनर्जी को हम बचा सकते हैं, और नेचुरली हमारा जो है छत कूल रहेगा, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो उसका सरफेस गर्म ही नहीं होगा और वो सन की किरणों को वापस भेज देगा। एक और बहुत आसान सा मेथड है, हम लोग अगर अपने छत को चाइना मोसाइक का इस्तेमाल करें। चाइना मोसाइक बेसिकली क्या है, ये एक तरह का स्टोन या कह सकते हैं आप ये टाइल्स ही है, जिसके हम छोटे छोटे टुकड़े जो हैं हम अपने छत पे एक परत दे देते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले हमारे छत को स्क्रैच करते हैं, उसमें हम उसके बाद
जो वाटर प्रूफिंग है वो करते हैं, उसको मल्टीपल लेयर्स में हम उसको अप्लाई करते हैं, लास्ट में सीमेंट को बिछाकर हम उसके ऊपर हमारे जो ब्रोकन चाइना मोसैक होते हैं उसको ग्रिड वाइज लगा देते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो छत है, एक तो ये वाटर प्रूफिंग हो जाती है, साथ ही साथ जो सन की जो किरणें हैं ये हमें भेद नहीं पाती है और ज़्यादातर ही ये एब्जॉर्ब नहीं होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता टेक्नोलॉजी है अगर आप इस्तेमाल करें तो, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बड़ा कंक्रीट घर है। एक और बहुत अच्छा तरीका है जो है सोलर पैनल। अगर किसी के पास फंडिंग है या फिर उसका प्रोजेक्ट अच्छा खासा है तो आप अपने घर के जो छत को ना केवल सोलर पैनल से, एक तो सन रिफ्लेक्ट हो जाएगा ज़्यादा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा क्योंकि वो शाइनी सरफेस रहता है, साथ ही साथ जो बाकी के रेज होती हैं उसको वो एब्जॉर्ब करके आपके लिए एक एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएगा, जिससे कि आप नेचुरली अपने घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे आप एयर कंडीशनर लगाए या अपने मशरूम प्लांट के मशीनरीज जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको एकदम सूर्य के किरणों से बना हुआ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। साथ ही साथ जो सोलर पैनल है उसके नीचे का जो सरफेस है उस पर वो कंस्टेंट छाया मेंटेन करता है, जिससे टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम रहता है। और इन जनरल भी सोलर पैनल जो है जस्ट लाइक ब्रोकन चाइना मोसैक या फिर वाइट रूफिंग की तरह ही काम करेगा, मैक्सिमम सन को ही रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये सब कुछ आसान जो है टेक्नोलॉजी है जो बेस करती है रिफ्लेक्टिव सरफेस टेक्नोलॉजी पे, जिसमें जो है हम सन की किरणों को ज़्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं करने देते हैं। साथ ही साथ हमारे घर के ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ इस तरह के मटेरियल हैं जो कि इंसुलेटेड है, जिसका अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे आपका जो सन जो बाकी का जो किरणें हैं जो आपके जो फ्लोर पे गिरेगा भी वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करिए। हैप्पी मशरूमिंग, फिर मिलेंगे।